चलिए देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो करेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा आपको, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन बहुत छोटा सा बन जाएगा अगर आप इसे समझ जाते हैं तो। एक बार समझ गए तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत स्मॉल बन जाएगा। मैंने आपके सामने देखिए, मान लेते हैं एक बैलेंस शीट बनाया और एक आपके नोटबुक, और नोटबुक कह रहा हूँ, बुक के अंदर ना हेडिंग डाला हुआ इक्वेशन मेथड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ना बुक के हिसाब से किया जाए, तो कुछ चीज़ें जो चीज़ें शॉर्टकट जल्दी समझ में आते हैं, तो मेरी कोशिश वही रहती है कि उसके हिसाब से वर्किंग नोट को जितना शॉर्ट किया जाए ना आपके लिए उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन मेथड को बिल्कुल दिमाग में नहीं लूँगा, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उस मेथड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितने का है, 1 लाख का है, ₹1 लाख का है, ठीक है। और मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा डेफिनेटली, मान लेते हैं 2 लाख का है, और रिजर्व है मेरे पास, रिजर्व मान लेते हैं हमारे पास है सपोज करिए 50,000, बस 50,000 का रिजर्व है। और मैं इस जो शेयर्स है ना, जो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि, या मैं रिजर्व थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 50,000 तो इनफ है वैसे। ये जो प्रेफरेंस शेयर है, इस प्रेफरेंस शेयर को मैं चाहता हूँ कि रिडीम कर लूँ, रिडीम करूँ एट 10% प्रीमियम पे। कितने परसेंट पे रिडीम कर लूँ मैं इसे, 10% के प्रीमियम पे मैं इसको रिडीम कर लूँ। तो सिंपल सी बात है, मुझे जो पैसा देना है, पैसे को जो रिटर्न करना है मुझे, वो कितने रुपए रिटर्न करना है, 1 लाख रुपए और प्लस 10,000 रुपये किस चीज़ के, सिक्योरिटी प्रीमियम का। मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि आप बताइए CRR कितने का बनेगा, क्योंकि हमारे पास CRR बनाने के लिए कितने हैं, 50,000 है, यानी हम CRR बना सकते हैं सिर्फ 50 का, यानी हमें फ्रेश इशू करना है, समझिएगा बात को आप, हमें फ्रेश इशू करना है कितने का, 50,000 का फ्रेश इशू करे तो काम बन जाएगा। अब बताओ मुझे इस 10,000 का, चलो मैंने फ्रेश इशू कर दिया 50,000 का, और 50,000 का जब मैं फ्रेश इशू कर दूंगा तो मेरे पे 50,000 आ गए, CRR में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन व्हाट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका पेमेंट कर पाए क्या आप, रिजर्व है, मैंने कहा इसका प्रीमियम का पैसा आपने राइट ऑफ किया क्या, बोलोगे नहीं सर, कहाँ से करें, रिजर्व से कर सकते हैं, क्या हमारे पास रिजर्व है, नहीं है, क्योंकि रिजर्व कहाँ ले गए आप, तो रिजर्व तो बचा नहीं, तो इसका मतलब आप इसे पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। यानी आपको कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा काम हो कि जैसे मान लो मैं इसको 40 करता है ना, दिमाग लगा रहे हो ना आप, इसको क्या करता मैं 40, तो मेरे पास बचते 10 रिजर्व में उससे सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। अब एग्जामिनर क्या कहेगा कि आप इतने प्रेफरेंस शेयर को इशू करिए, इतने रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू करिए जिससे, और सॉरी इतने रुपए का इक्विटी शेयर इशू करिए, या इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करिए जिससे आपको ना ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये प्रॉब्लम आपको फेस। तो एग्जामिनर कहेगा मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए आप, मिनिमम नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई इसके पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम ज़्यादा कर दें, जैसे आपने बोला सर अब 60 का कर दो इक्विटी, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो ना 1 का ही कर दो इक्विटी, CRR भी क्यों बनाते हैं, रिजर्व को बचा के ही रख लेते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस नहीं हो पाया। एग्जामिनर रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है,
जिससे क्या हो, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेड हो जाए, हमारा रिजर्व भी यूज हो जाए और 1 रुपया एक्स्ट्रा इधर उधर ना हो। समझ रहे हो बात को? तो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, अगर ये एट पार है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर किस पे करना है, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम पे, प्रीमियम कितने परसेंट, मैंने बोला 10% पे सपोज करो। तो हमें फंड की जो रिक्वायरमेंट है ना टोटल, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा 110,000 रुपये चाहिए, जिसमें से हमारे पास 50,000 रुपये क्या है रिजर्व, कितने बचे, यानी टोटल टोटल में हमें 60,000 की जरूरत है। सही बात है गलत है? तो अगर मुझे टोटल 60,000 रुपये चाहिए और मैं शेयर जो है 11 का इशू करूंगा, टोटल कितने चाहिए और शेयर कितने का इशू करूंगा मैं, 11 का। सर 11 का क्यों इशू करोगे आप शेयर? सिंपल सी बात है ना, इक्विटी शेयर 10 का होगा, प्रीमियम कितने परसेंट बोला जा रहा है 11, तो हमारे पास एक ना मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा, यानी 60,000 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया मेरे पास कुछ ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। समझ रहे हो बात को? अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया तो हमारे अगर रुपए की बात करें तो इनटू में 10, यहां से तो हमारे पास इक्विटी शेयर से पैसा इकट्ठा होगा। आप ध्यान दीजिए, हमारे पास इक्विटी से पैसा इकट्ठा हो जाएगा कितने का, सिक्योरिटी प्रीमियम से कितने पैसे इकट्ठा होगा, है ना? जीआर में पहले से पैसे पड़ा है, तो इतने का तो हमारा, अगर देखा जाए, अगर हम इतने रुपए का इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, हम फेस वैल्यू 1,00,000 है, 1,00,000 में से अगर मैं इतने का इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं तो 54,540 का, इट मींस मेरे पास 45,460 की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या बना लूंगा मैं। समझ रहे बात को? बस कॉन्सेप्ट को मैच करते रहिएगा, बुक का भी क्वेश्चन करूंगा मैं। तो हमारे पास ये कितना पड़ा हुआ है, 50 में से 45 का CRR बना लेंगे, 45,460 का CRR अगर मैं 50 में से बना लूं तो मेरे पास बच गए कितने CRR में, और ये भी है, इसको 5 कर लो एक बार के लिए, या फिर कितने थे 4, 1-2 रुपए का फर्क आएगा। इन दोनों को ऐड करो क्या बनता है, अप्रॉक्स पॉइंट वेंट लगा दे तो 10,000 बन गए। तो हमने शेयर्स कितने इशू किए, ऐसा तो नहीं हमने एक्स्ट्रा इशू कर दिया हो, नहीं ना? तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जब कभी भी निकालने को आए तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको कितने टोटल रुपए की जरूरत है, यानी टोटल रुपए की जरूरत कैसे पता करेंगे, इंक्लूडिंग माइनस आपके पास पहले से कितना फंड अवेलेबल है। यह मत देखिए कि इससे CRR बनेगा, ऐसा मत सोचिए कि 50 का CRR बनाना है, CRR अमाउंट बाद में डिसाइड होगा, आपको रिक्वायरमेंट इतना है और कितने रुपए का फ्रेश नंबर ऑफ शेयर करोगे उससे डिवाइड करके आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। समझ में आई बात आपको? यहां तक कोई दिक्कत? तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है हमारे पास, मैं कर देता हूं, इक्वेशन मेथड ही है लिखा, हालांकि इक्वेशन मेथड है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपके बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैं इसे एक बार मिटा देता हूं फटाफट से, ठीक है, और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं, इसे मिटा देते हैं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, दो क्वेश्चन करेंगे एकदम समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रेश इशू शेयर एट अ प्रीमियम 5%। नंबर ऑफ शेयर्स बताइए, अभी बताया था ना नंबर ऑफ शेयर्स कितने बताए थे, 545, इसी तरीके से यहां नंबर ऑफ शेयर कहता है प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है और कितने रुपए का, 1.5 लाख, और इसे कितने पे रिडीम करना है एट, इसका मतलब मुझे 15,000 और चाहिए। टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए 1,65,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। पहले से क्या क्या पड़ा है चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट पड़ा हुआ है माइनस करो,
माइनस करो 25,000, और क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करो 5,000, कितने बच गए 1.35। यार हमें रिक्वायरमेंट 1.35 है, कहता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करके दिखा दो आप। मैंने बोला जी 1.35 चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, 1.35। ये ना प्रीमियम पे जब इशू करने को बोलेगा तभी प्रॉब्लम है, अगर प्रीमियम पे ना बोला जाए तो 1.35 का सीधा हो जाएगा। तो 5% प्रीमियम का मतलब 10 रुपये 50 पैसे, यही होगा ना, ये समझ में आया 10.50, 10 का शेयर, 5% प्रीमियम कितना बनता है 10 रुपये पे 50 पैसे, समझ में आया। तो इसका नंबर निकाल लेते हैं, 135 डिवाइडेड बाई 10.5, ये आ गया हमें नंबर ऑफ शेयर 128.57 का इशू करना चाहिए। और अगर आप रुपीस के टर्म्स में बात करते हो तो 128.570 का इशू करना चाहिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम की आप बात करते हो तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम 128.57 इंटू में 50 पैसा आएगा हमारे पास, इसमें फर्क आएगा जरूर, उस फर्क को राउंड फिगर करेंगे हर बार, 30 कर देते हैं, 6430 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। देखिए कोई डाउट आप देखेंगे तो बुक के अंदर आपको सॉल्यूशन जरूर देखने को मिलेगा, वहां एन नंबर करके इक्वेशन बना के किया हुआ है, और मैंने इक्वेशन ना बना के जनरली कर दिया कि भाई इतने पैसे की जरूरत है इतने से डिवाइड करो आ जाएगा। उन्होंने क्या करा स्मॉल एन और कैपिटल एन, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये सब बताऊंगा तो एक बच्चों के माइंड में क्या आ जाएगा, कैसे याद करना है ये इक्वेशन तो पढ़ना है, लेकिन यहां से आपको कहीं भी नहीं लग रहा कि कोई इक्वेशन आपको पढ़ना है, सिंपल सा लॉजिक वाली चीजें है, क्लियर है आपको। तो इक्वेशन मेथड करने से बेटर है कि ये करें, कोई डाउट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डन कर दिया, किसी का डाउट है तो बताइए। पढ़ दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और 80% कॉल्ड अप है। तो सबसे पहले याद रखना, जब कभी भी हमें किसी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है तो पहले 100% बनाते हैं फिर रिडीम करते हैं। अगर 80% है 10 रुपये का तो 8 रुपये कॉल्ड अप था, 2 रुपये और मंगवा लेंगे, समझ रहे हो बात, मंगवाने का मतलब फाइनल कॉल की एक एंट्री कर देंगे बैंक से। कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमारे पास कुछ पैसे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 और सरप्लस में 23,250। आगे एसेट्स लाइबिलिटी की बात कहता है, कहता है प्रेफरेंस शेयर ड्यू फॉर इमीडिएटली रिडेम्पशन 10% प्रीमियम, कहता है हमने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू किया और अभी तुरंत इसको रिडीम करने का फैसला कर लिया हमने। द डायरेक्टर डिजायर टू ओनली मिनिमम नंबर ऑफ शेयर 100 रुपीज ईच एट अ 5% प्रीमियम, और डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू करेंगे और 5% 100 रुपये का एक 5% प्रीमियम पे इशू प्रोवाइड रिडम्पशन, सच प्रेफरेंस शेयर कुड नॉट बी अदरवाइज टू बी रिडीम, तब तक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं करना, अज्यूम दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट सेक्शन 55 वर कंप्लीटेड विद यू आर रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो बड़ा आसान है, कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, सेम लिखा उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होनी है जो कि एक प्रेफरेंस शेयर में होना है, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का बैलेंस शीट में देखिए, तो ये दे रखा है 2,00,000 जो कि ऑलरेडी 80% है, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है जी, ये है हमारा 12%, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये 80% है, 10 रुपये का 8, 10 रुपीज का ईच है, और 80% पेड किया था उन्होंने, और जो पेड किया था वो 2,00,000 था। तो इसका मतलब वेरी सिंपल, हमें प्रेफरेंस शेयर से सारे पैसे नहीं मिले, तो सर कितने मिले और हमें मिलने कितने चाहिए, 80% मिले तो टोटल अमाउंट जो होना चाहिए वो टोटल अमाउंट होना चाहिए, कैसे निकालोगे, 2,00,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो क्या आ गया, यानी 2,50,000 आना चाहिए। तो वेरी सिंपल, 50,000 रुपये और इससे मंगवाया जाएगा, जो लाइन कहता है ना क्वेश्चन में, और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिया सेक्शन 55, सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का यही कहता है कि रिडेम्पशन अगर करो प्रेफरेंस शेयर का तो जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए करो।
तो रूल नंबर वन CRR बनाना चाहिए, रूल नंबर टू इसके अंदर आपका फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए। इसका मतलब हम 50,000 तो और उससे क्या करें भाई, लेके आपने घर से तभी रिडीम हो सकता है। तो एक एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए, और आप मुझसे पूछते हो सर नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। दूसरे तरीके से भी कुछ बच्चों को ना इसमें बड़ी समस्या हो सकती है, इसी का मैं सेकंड पॉइंट बता देता हूं और कैसे निकाला जा सकता है। सर 2,00,000 है और 2,00,000 में 80% दिया है 10 का, यानी 8 रुपए का पेड किया होगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 25,000 शेयर आ जाएंगे। तो 8 दे दिए हैं तो 2 और देने हैं इसे, तो 25,000 शेयर अगर इसके थे तो 25,000 इंटू 2 50,000 और आ जाएंगे। इसी को मैंने सेकंड पॉइंट में करके दिखा दिया, जिसको जैसे समझ में आता है। इसके बाद क्या होगा, बैंक में पेमेंट टू शेयर 50,000। किसी को इस एंट्री में डाउट तो बताइए, चाहे जो बच्चा एप्लीकेशन पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, किसी को डाउट है तो बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप, हाँ या ना में बताइए डाउट। हाँ तभी तो पाट लिए, बिल्कुल बताइए। किसी को डाउट नहीं, डाउट यहां तक हमने काम कंप्लीट कर लिया। इसमें मेजर वर्किंग नोट रहेगा, क्वेश्चन में कहता है कि आप मिनिमम शेयर इशू करिए, तो सबसे पहले हमें पेड कितना करना है, पेड करने का इंतजाम करेंगे। पेड करना है हमें 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितने, 2,00,000, और प्लस 10% जो कि बनता है, यानी इंतजाम करो 2,75,000, जिसमें से कितना हमारे पास है GR में, कितने पैसे हैं चेक करिए। कहता है GR में सिक्योरिटी प्रीमियम में है 5,000 और सरप्लस में है 23। तो ध्यान से देखें तो हमें रिक्वायर्ड कितने का पड़ेगा, 246। पहले यहां तक देखिए, कोई दिक्कत कोई मिनिमम बैलेंस रखने को तो नहीं बोला गया, नहीं बोला गया कोई दिक्कत यहां तक। तो सर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, कौन बच्चा बताएगा मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसको करेंगे 246 डिवाइडेड बाय, कहता है 100 वाला शेयर 5% प्रीमियम पे, यानी डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड 105 करेंगे तो आ जाएगा 2,350। कितने शेयर आ गए, कोई डाउट। तो सर 2,350 अगर आ जाते हैं तो 2,350 इंटू में 100 कर दोगे आप, और प्रीमियम के लिए आप कर दोगे 5, है ना। यानी अब हम करते हैं इंतजाम 2,350 शेयर गुणा में 100, ये तो फ्रेश इशू से इंतजाम हो गया, 2,35,000 तो फ्रेश इशू से इकट्ठा हो गया। हमें चाहिए CRR के लिए फेस वैल्यू, तो 2,50,000 करना था, तो CRR के लिए हम क्या करेंगे, सरप्लस को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो ही नहीं सकता, लिखवाया था ना, तो सरप्लस कितना यूज कर ले बाकी का 15,000। तो 15,000 सरप्लस यूज करके क्या बनाया जा सकता है, समझ रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए बाकी। बताओ 15,000 यूज करेंगे तो हमारे सरप्लस में कितना बचा बताओ, कितने थे 23। ये सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं घुमा फिरा के ताकि आपके दिमाग में आ जाए, और 15 यूज कर लिया तो बचा कितने, 8,250।
8,250 बचे, ठीक है ना। अब 8,250 और प्लस हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, पहले से कितना है, 5,000 है ना, तो टोटल कितने हो गए, या तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम नए वाले से भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम किससे आएगा, न्यू वाले से। सर न्यू वाले से कैसे आएगा, ये रहा ना, 5 से मल्टीप्लाई करो कितने बनते हैं, 11। टोटल पैसे कितने हो गए, 25,000। देखो देखिए टोटल पैसे कितने हो गए, और आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए इंतजाम कितना करना था, 25 ही करना था, और हमारे पास बच भी गया सीआरआर बनाने के बाद कितना, 1 रुपए फालतू नहीं, 1 रुपए कम नहीं। तो इसी को बोला जाता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। इसको बुक वाले क्या करते हैं, इक्वेशन मेथड बना देते हैं, और जबकि कोई इक्वेशन नहीं है। ये मैंने इतनी बारी पता है क्यों करा, अभी एक बार मैं मिटा दूंगा इसको, और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या करना है वो चीज़ लेके चलूंगा। पहले ये समझ में आया सबको, तो इसमें सिंपली अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं बात करूँ ना, तो हमें तो क्या पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, नंबर वन टोटल अमाउंट कितना चाहिए, नंबर वन पता करो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रहा टोटल अमाउंट। उसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिए, नंबर टू पे माइनस कर दें, क्या क्या कर दें, जो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए माइनस कर दिया इसमें से। इसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट। नंबर थ्री स्टेप क्या बचेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड अमाउंट, और रिक्वायर्ड अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए किससे, जो नए वाला इक्विटी शेयर इशू हो रहा है उससे। तो देखिए रिक्वायर्ड अमाउंट को मैंने डिवाइड कर दिया, तो इससे सिंपली क्या पता चल जाता है हमारा कितने नंबर ऑफ शेयर्स होगा। ये तो आंसर को चेक किया, वैसे जरूरत नहीं है ये वाला पॉइंट करने का, ये आंसर को मैंने क्या करा चेक कि भाई 23,500 से तो आ गए, यानी 2,35,000 बन गई ये, 15,000 और CRR से निकाल लेंगे तो 2,50,000 रुपए का तो हमारा टोटल हो गया, जिससे कैपिटल कम ना हो। पहली क्लास में सीखा था ना कि हम कैपिटल को तो रिड्यूस कर सकते हो, तो CRR बनाओ या फिर फ्रेश इशू करो, वही कंडीशन कंप्लाई किया हमने, यही तो सेक्शन 55 है जो कंप्लाई करने को बोलता है। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। सरप्लस को इसको वेरीफाई करा कि जी 23,250 था सरप्लस में, 15 इसमें डाल दिया सीआरआर में, तो इतने पैसे बचे हमारे पास सरप्लस के, 25,000 का इंतजाम और करना है ना सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, तो ये इतने बचे, 5,000 पुराने प्रीमियम और नए वाला प्रीमियम 11, तो टोटल देखो 25 ही बन रहे हैं, समझे बात आप। अगली एंट्री क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला के पेमेंट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करो, खत्म क्वेश्चन, यही तो है। तो बुला लेते हैं हम किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने, 2,50,000, 25,000 और 275। आगे क्या कर दे, पेमेंट कर दे बैंक से। तो सर बैंक से पेमेंट कैसे होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप जर्नल एंट्री सीक्वेंस में नोट करिएगा। मैं तो देखो जैसे जैसे बीच बीच में मैं वर्किंग नोट भी करता हूँ, लेकिन वर्किंग नोट एक साथ करना है अपने। 275 का पेमेंट डन। इसके बाद क्या कर दे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जो यहाँ पे पुराने वाला था 5,000 और 11,000, कितने डेबिट होंगे, 5 और 11, 16,750। सर ये कैसे आया, अभी बता देते हैं। GR सरप्लस डेबिट कितने का, 8,250, 8,250। टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 25, कोई दिक्कत, समझ में आया।
सर ये कैसे आया ये वाला अमाउंट, इस अमाउंट को बताते हैं। देखो 5000 पुराना बैलेंस शीट में था और नए वाला 2350 शेयर इशू किए आपने, और इससे हर किसी से वसूले कितने कितने रुपए जोड़ लो, ठीक है। अब क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे आप तो प्रेफरेंस शेयर गायब, सीआरआर में पैसे आ जाएगा, सारे रिजर्व गायब, एक सीआरआर में पैसा आ जाएगा और एक इक्विटी बढ़ जाएगा, बस यही तो चेंज हुआ। और एक बैंक अकाउंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किया है ना हमने, तो बस यहाँ चेंजेस आएगा और सेम बैलेंस शीट उतारना है हमें। तो एक बार फटाफट से ये वाले वर्किंग नोट जो किए इसे नोट करिए, फिर हम बैलेंस शीट अगर बोलेंगे या बैलेंस शीट टैली करेंगे आप ना, तो मैं यहीं टैली करा देता हूँ बुक में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आगे चैप्टर खत्म करना है। तो आप सबसे पहले देखिए पुराने बैलेंस शीट को, बुक आपके पास होना चाहिए। पुराने बैलेंस शीट में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 5 लाख। नए बैलेंस शीट में कितने का है, 7,35। दिमाग लगाओ कैसे आया, 5 लाख पहले था। और फ्रेश इशू देखो ना, ये रहा सामने फ्रेश इशू 2,35 का करा, तो 5 में 2,35 जोड़ोगे तो 7,35 ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस में, 15,000 है। नोट में जाके चेक कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CRR। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में सब कुछ काट पीट के CRR करके इन्होंने दिखा दिया। इसके बाद पुराने बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं, पुराने बैलेंस शीट में आ जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस इसका चेंज हो गया, हमारा चेंज हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे देखोगे ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितने रुपए हैं, 16,668। और नए वाले बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं हमारे, गलत अमाउंट देख लिया क्या मैंने, नहीं पुराने वाले में कितना है बैलेंस शीट में और नए वाले में, नए वाले में कैसे निकालोगे ये भी बता दूं। पैसा इकट्ठा होगा हमारा 3,35 यहां से आएगा और 17,500 का प्रीमियम होगा, नए वाले का बता देते हैं। चलो बैंक का कैसे टोटल आया, बैंक इंपॉर्टेंट है बता दे कहां बताएं यहां बता देते हैं। देखो बैंक का टोटल कैसे आएगा, नई वाली बैलेंस शीट आपने बनाना है। सबसे पहले कितना पड़ा हुआ है हमारे पास पुराने बैलेंस शीट में, 16,688। नए इशू किए ना 2,350 और 105 के हिसाब से, तो शेयर से बेच के पैसा आया प्लस 246। माइनस पेमेंट कर देंगे, कितने का पेमेंट किया, 16,688 माइनस पेमेंट कर दिया, कितने का, 2,75। और कहीं भी पैसा आया था, ये पैसा भूल गया मैं लिखना, 50,000 इससे भी आया था, याद आया कौन सा 50,000, फाइनल कॉल, तो 50 ये भी आ गया। अब माइनस कर देते हैं 275 इसमें से, 275 तो हमारे पास बैंक खाते में बच गया 38 37 जो भी एक आध रुपए का होगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात आती है, सर पैसे नहीं होते तो क्या करते, यहां तो थे नहीं होते तो क्या करते, उसको ओवरड्राफ्ट में बना देते आप डाल के, क्या बना देते आप उसको, और लाइबिलिटी साइड में डाल के मैच हो जाता है, समझे। तो बैलेंस शीट आप खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी बैलेंस शीट टेपना ही तो है आपको, पुरानी बैलेंस शीट उतारना है और उसके अंदर अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज करना है। और नोट्स टू अकाउंट्स के कैसे कैसे बनते हैं जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो मैं सिखाऊंगा ही, तो आप फटाफट से नोट करिए। हमारा डन हो जाता है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आएंगे 15, 16, 17, एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। एक एंट्री मिसिंग था और मिसिंग शेयर कैपिटल वाला, जो ये वाला था ना शेयर इशू करना भूल गया, जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर था तो वो करना भूल गया, तो उसको मैं कर देता हूँ। नोटिंग तो इतनी देर से कर ही ली ना आपने, यहाँ कर देते हैं ये एंट्री और ऐड कर लोगे, कौन सा बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आएंगे जी, 2 लाख। कितने आ रहे हैं बताओ बैंक में, 2,350 × 105 246,750। इसके बाद क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन
टू इक्विटी शेयर, आपको पता है वैसे भी ये एंट्री, टू थर्टी फाइव, और यहाँ क्या आएगा 11700। ये दो एंट्री और ऐड कर लेना आप इसमें। तो जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है उसको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया है। बाकी क्वेश्चन तो मैं समझा ही रहा हूँ बोर्ड पे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और 8 रुपये कॉल्ड अप है, कॉल सिनेरियर 2 रुपये 300 शेयर के, तो समझ रहे हो यहाँ पे उसने 6 रुपये ही दिए हैं, 300 शेयर होल्डर ने कितने दिए हैं 6, क्योंकि 8 तो मांगे ही थे, 8 में से भी ये जो है 2 रुपये फेल हो गया, तो उसने 6 दिए होंगे। करेंगे आगे फोर फीचर भी करेंगे। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है 1.5 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, रिजर्व में सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें है, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट सब कुछ दे रखा है। अब क्या क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है रिलाइज द इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख, बेच दो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, क्वेश्चन कहता है। लो जी बेच देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा कितने रुपए 1 लाख रुपए, और सर था कितने का इन्वेस्टमेंट चेक करो जरा, फायदा पहली बार फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने में, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में था 75 का, और टू पहले फायदा सरप्लस में बेचते थे, अब भी सरप्लस, क्लियर। अगला बोलता है डायरेक्टर फोर फीचर करो, जिसने पैसे नहीं दिए फोर फीचर करो, तो 300 शेयर के तो फोर फीचर होंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर 300 शेयर होल्डर से कितने मांगे गए थे 8 रुपए, 2 शेयर 4 फीचर कितने हो जाएंगे, 300 शेयर होल्डर ने 2 नहीं दिए थे तो 6 दे रखे थे, देख रहे हो आप क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया, 2 कॉल्स इन। अब इसका इस वाले पॉइंट का तो इस चैप्टर से कहीं लेना देना ही नहीं था, और ये छोटा सा एक आपको एक एंट्री दिख रहा है ना ये, लेकिन इसके लिए आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए इश्यू ऑफ कैपिटल, अगर वो नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छेड़ भी नहीं सकते फिर तो, आप समझे बात आप, तो इसलिए मैंने कहा ना सारे चैप्टर को क्लब करके देगा वो, तो धीरे धीरे देखते जाओगे सब जुड़ता जाएगा। कहता है री इशू फॉरफिटेड शेयर 7 each credit 8, बोलता है 7 रुपये लाओ 8 रुपये ले जाओ, तो री इशू भी बैंक अकाउंट डेबिट, कहता है 7 रुपये क्रेडिट कर रहे हैं हम इसके अकाउंट में, नहीं क्रेडिट 8 कर रहे हैं 7 रुपये के बदले, तो 300 × 7 2100, और 2 शेयर 4 फीचर डेबिट, 1 रुपये का नुकसान कर बैठे, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लो एक और एंट्री, कौन सा शेयर 4 फीचर 2 कैपिटल रिजर्व, 300 का नुकसान, 1800 का फायदा, 1500, पिछला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए अब दोबारा रिवीजन में करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा, यहां पे हमेशा याद रहना चाहिए आपको वो चैप्टर एंट्री। तो तीसरे पॉइंट के बाद चौथे में कहता है कि इशू कर दो आप इसको डिबेंचर, लो अभी डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ डिबेंचर इशू करवा रहा है, तो इसके लिए तो सिंपल सी एंट्री है, डिबेंचर इशू कर दो। तो क्या करेंगे डिबेंचर इशू में, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 कितने परसेंट है हमारा 8% है, कोई बात नहीं डिबेंचर एप्लीकेशन, और क्वेश्चन में क्या कहता है जी डिबेंचर एप्लीकेशन जो इशू करना है 10% प्रीमियम पे, तो 10,000 1 लाख, 1 लाख पे 10% और डिबेंचर एप्लीकेशन 2 कितने परसेंट डिबेंचर
8% डिबेंचर कितने रुपए? 1 10 1 लाख 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। देखो पढ़ते जाओ और करते जाओगे आप। अगर आप सोचोगे ना क्वेश्चन में क्या है, पूरा पहले पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाता है। अब कहता है यूटिलाइज द मेक पार्टली पेड इक्विटी शेयर टू फुल्ली पेड डिक्लेयर बोनस। कहता है जी जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर है, यूटिलाइज द प्रॉफिट टू मेक पार्टली पेड इक्विटी शेयर इनटू द फुल्ली पेड। कहता है पार्टली पेड वाले को फुल्ली पेड बना दो। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, क्वेश्चन में याद करिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे बताइए। हमारे पास 16,000, नहीं नहीं 8 रुपए का, 20,000 था, क्योंकि 1,60 जो हमारे पास पैसा था वो 8 के हिसाब से था, यानी 20,000, और हमें 2 रुपए बोनस देने हैं। तो कोई नहीं, शेयर फाइनल कॉल, बीस हजार इंटू में 2, 40, 2 बोनस, बोनस इशू कर देते हैं, 40 नहीं नहीं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अब करते हैं बोनस, है ना। अब क्या करेंगे, कहां कहां से पैसा इंतजाम करना है, क्या सरप्लस से, देखो क्या सरप्लस में 40 है, बहुत पैसा है, बहुत है, चलो ले लेते हैं फिर सरप्लस। अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए, 40,000 खत्म। अब कहता है ये सारी इधर उधर की बातें थी, अब आ जाओ चैप्टर पे। कहता है रिडीम कर लो 10% प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर को, और रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो गया, सारे रूल एंड रेगुलेशन मान लिए। अब क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो। तो सर कितने प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताइए। प्रेफरेंस शेयर कहता है 100 रुपए का ईच है, 1.5 लाख का, यानी 1500, और रुपीस के टर्म्स में बात करें तो 1.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना देना है, 10%। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए तो हमारे पास इधर उधर से पैसा रिजर्व में भी है, कोई फ्रेश इशू तो है नहीं। सीआरआर कितना बनाना है, पूरे 1.5 लाख। क्या सरप्लस में है 1.5 लाख, बिल्कुल है, तो सीआरआर बना लेते हैं। पहले बना लेंगे हम सरप्लस टू सीआरआर। आप मुझे एक बात बताना, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें सीआरआर भी शायद मैंने नहीं बनाया था, बनाया था, वो भी बना लेना आप, ठीक है। सीआरआर की एंट्री मिसिंग हो गई थी वहां पे, मैंने कैलकुलेशन कैलकुलेशन पे फोकस किया, वो मिसिंग हो गई। तो 1.5 लाख और 1.5 लाख, इसके बाद कितने परसेंट वाला है भाई ये, 8%। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए, 165 है ना। इसके बाद क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 165। अब क्या करें बताइए जल्दी जल्दी, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना राइट ऑफ करना है, 15। क्या पहले से पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम में, 40 है, ये भी बहुत है। सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी फंड की कमी नहीं है, 40 क्यों लिख दिया मैंने, 15 लिखना है।
इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बोला गया, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में जब आएगा ना 15 का तो बैलेंस शीट जरूर बोलेगा बनाने को। और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, पुराने बैलेंस शीट को ही लोगे, उसी से नहीं बना दोगे कुछ पॉइंट्स को ऐड करके। नोट करिए फटाफट, किसी को डाउट तो। अभी इससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन किया वो समझ में आ गया। अब 16 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। फिर से अगेन हमारे पास एक बैलेंस शीट है, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा है हमें, लेकिन इस बार है 20 लाख रुपए का, बड़ा अमाउंट है। इक्विटी शेयर 40 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस में 3,20,000 रुपए हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व में 12 लाख रुपए, सरप्लस में 3,20 है, लाइबिलिटी वगैरह दे रखा है और बहुत सारी बातें बताई है। मुद्दे की बात नीचे लिखी है आपको, कहता है द 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम एट अ 10% प्रीमियम। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने परसेंट था हमारा, 8%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितने रुपए का, टोटल अमाउंट 20 लाख का। इसको रिडीम करेंगे तो इसके अंदर प्लस क्या करना है हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहता है जी 10%, तो इसका मतलब इंतजाम कितने का, टोटल 22 लाख रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब सब करने में। यहां तक समझ में आई बात आपको। आगे कहता है फ्रेश इक्विटी शेयर इज टू बी मेड एक्सटेंट ऑफ रिक्वायर्ड, कहता है फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे जितनी जरूरत होगी, हम नहीं बताएंगे आपको। प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ मार्केट वैल्यू, सारे इन्वेस्टमेंट को बेच दिए मार्केट वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट देखो मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे तो फायदा, इन्वेस्टमेंट बेच दे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,80। दूसरा क्वेश्चन आ गया फायदा वाला, इन्वेस्टमेंट चला गया कितने का, 8 लाख और 2 सरप्लस 80,000 रुपए, 2 सरप्लस 80,000। किसी को डाउट नहीं, चलिए आगे कहता है टेम्परेरी बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज केस ऑफ शॉर्टेज फंड, कहता है कि अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट करके दे देना उसको, हमें पहले से ही पता है, मैंने पहले ही बताया अगर पैसे कम पड़े तो बैंक ओवरड्राफ्ट। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 में करना है, एक्सेप्ट केस 1 शेयर होल्डर 200 शेयर हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड, मतलब 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला बुला के परेशान हो गए, ले जा भाई पैसा, लेकिन वो लेने और ये भी नहीं पता वो 200 शेयर होल्डर है कौन, तो कुड नॉट बी ट्रेस्ड नहीं मिला, तो लास्ट में हम इसको पेमेंट कम करेंगे 200 शेयर होल्डर को जब मिला ही नहीं तो। सब्सिक्वेंटली द कंपनी इशू बोनस शेयर रेशियो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर, कहता है कि बाद में बोनस इशू भी कंपनी ने कर दिया है, ठीक है। अब हम पैसे की बात कर लेते हैं, कितने पैसे की जरूरत है, कितने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले फंड की बात करते हैं, हमारे पास फंड कितने कितने अवेलेबल है। फंड हमें चाहिए टोटल 22 लाख, जिसमें से माइनस मैंने क्या बताया था, सारे जीआर सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस करो, तो सबसे पहले जीआर कितने का है, 12 लाख, सरप्लस गलत जवाब 4 लाख, 80 फायदा भी तो है, माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 3,20। आप ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर के लिए तो यूज हो नहीं सकता, और हमारा प्रीमियम पे शेयर भी इशू करने को नहीं कहा गया है, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मुद्दे की बात ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 2 लाख चाहिए, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ 2 लाख रुपए यहां लिखना पड़ेगा। 1,20 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उस 1,20 का इस्तेमाल कैसे करोगे, उस 1,20 का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। सर क्यों नहीं कर सकते रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि अलाउड ही नहीं है,
हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, समझे बात। और क्या पैसा है बताओ, खत्म। तो 22 कितने बच गए, 4 पक्का, 12 4 16 18 4, ठीक है। 4 लाख रुपए का हमें क्या कर देना चाहिए, इक्विटी शेयर इशू। और आप अच्छे से जानते हो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है जी, है। 10 रुपए का शेयर प्रीमियम है ही नहीं, तो सिंपल, समझे। अब फ्रेश इशू कर दे, CRR भी बना ले, जो पहले भूल गए थे अब नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले CRR बना लेते हैं या फ्रेश इशू कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट अब भूलेंगे नहीं। टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या करें इसके आगे, CRR बना लेते हैं। तो बताइए CRR कितना बनाना है, तो जी GR का यूज करेंगे 12 लाख, और सरप्लस का यूज करेंगे 4 लाख, इससे ज्यादा नहीं बनाना, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज ही नहीं कर सकते। तो CRR बनेगा जी 16 लाख रुपए का, CRR कितने का बनेगा 16 लाख, और फेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट कितने की थी 20 लाख, तो 4 का फ्रेश इशू कर दिया ना हमने, देखो बैलेंस कैसे हो गया, हो गया ना बैलेंस, क्योंकि 20 लाख टोटल हम फेस वैल्यू रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो 20 में से 4 का तो फ्रेश इशू करके बैठ गए, 16 और चाहिए, 16 बना लिया, समझ में आई बात आपको। अब आगे क्या करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर 8% में क्या आएगा, 20 लाख, 2 लाख, 22 लाख, क्या सभी को पैसे दे दें, नहीं देंगे। तो सर किसको पैसे देंगे, जो हमारे पास 8% अभी लेने आया हुआ है, तो बैंक से हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा टू बैंक। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे कितने रुपए जी, हमारा टोटल शेयर की अगर बात करें तो 20,100 रुपए वाला था ना ये, तो 20,000 शेयर थे जिसमें से कुड नॉट बी ट्रेज 200, इसको पेमेंट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 110, है ना। या तो ऐसे कर लो ना, 200 × 110 माइनस कर दो, बात वही है। तो 20,000 माइनस 200 × 110, तो 2178। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया, तो सिंपल सी बात है भाई, 22 लाख देने थे, 200 शेयर होल्डर नहीं मिल रहे, तो 200 शेयर होल्डर को कितना दोगे, सर 200 को देंगे 100 रुपए, तो फेस वैल्यू और 10 प्रीमियम, तो 22 लाख, देखो कैलकुलेटर में मैं करके दिखा देता हूं, 22 लाख में से कितने माइनस कर दूं, 11 × 200 22,000, तो 22,000 माइनस करो, बात वही आ गया 21,78,000। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, नहीं सब दिखता है हमसे, ठीक है, किसी को डाउट, यहां तक क्लियर है ना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर दे, इसको SP to SP मैं लिख रहा हूं, एग्जाम में SP to SP मत करना, एग्जाम के अंदर आपको पूरा लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू, समझे बात। वो तो मैं शॉर्टकट के लिए थोड़ा कर देता हूं मैं यहां पे, कितने रुपए, ये भी गलत है एग्जाम में, कहीं पे ऐसे डिजिट, आपको यूट्यूब वाला तो चलेगा ही नहीं एग्जाम में, KLCR नहीं चलेगा, पूरा डिजिट लिखना है एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। कुछ बच्चे करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे है, किसी को कोई डाउट। अब क्या करें, बोनस इशू के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ शेयर, पुराने शेयर कितने थे देखो, 40,000,
बैलेंस शीट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब मुद्दे की बात आती है सर, बोनस किसको दोगे, नए वाले को भी दोगे या पुराने वाले को दोगे या दोनों को दोगे? क्वेश्चन में बोला है, कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि बोनस इशू करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू, मतलब के ओल्ड एग्जिस्टिंग, या फिर क्वेश्चन में कहेगा कि हम न्यू प्लस ओल्ड बोलेगा कुछ ना कुछ। अब देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि सब्सिक्वेंटली द कंपनी इशू बोनस शेयर इनटू रेशो फॉर हेल्ड इंक्लूडिंग द न्यू। अब क्वेश्चन मेरे मन में डाउट ही नहीं है, अभी तक तो डाउट था। तो नए शेयर कितने थे? 40। कितने हो गए? 80। और बोलता है एक शेयर होल्डर, एक शेयर दूंगा कितने शेयर होल्डर को? 4 को डिवाइड बाय 4 इंटू में 1, 4 को ही बोला ना। कितने बोनस इशू? 20,000 नंबर। तो देखो बोनस इशू सीखा था हमने, सेकंड पॉइंट में यहां कवर होगा और आगे भी आता रहेगा। अब बोनस इशू के लिए एंट्री याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करेंगे? बोनस CRR यूज करेंगे। कितने? 2,00,000 का है क्या CRR में? 2,00,000 बहुत पैसा है CRR में। तो CRR डेबिट 2,00,000 टू बोनस इशू 2,00,000। अगली एंट्री क्या कर दें? बोनस इशू और टू बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000। मैं हर बच्चों को यही कहूंगा जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं ना, उनको बिल्कुल स्मूथ लगेगा ये चैप्टर, बिल्कुल सिस्टमेटिक लगेगा, ठीक है चल रहा है पीछे कहीं ना कहीं। अगर जिस बच्चे ने पहले का देख के और भूल गए उनको बहुत दिक्कत होने वाली है इसमें, उनको लगेगा ये कई बार क्या करते हैं बोनस इशू टफ चैप्टर, छोड़ो अगला करेंगे। तो इसमें कॉरपोरेट अकाउंट में जिसको आप छोड़ोगे ना तो आगे हमेशा याद आएगा आपको, जैसे कि फोर फीचर री इशू बेकार है, कैपिटल रिजर्व बेकार है, याद आया अभी। बोनस इशू जिसको बेकार लग रहा है याद आ रहा है, अभी बायबैक भी करेंगे उसके अंदर भी सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, इसमें भी बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला गया। किसी को कोई डाउट? एक छोटी सी मिस्टेक कह लो क्या, 100 रुपये का फेस वैल्यू जो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 100 रुपये का फेस वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4,000, ध्यान देना। और 4,000 हो जाएगा तो यहाँ पे जुड़ेगा आपका 4,000, तो ये हो जाएगा हमारा 44,000 और नंबर ऑफ आ जाएगा हमारा 11,000। 100 वाला है तो 1,100,000 रुपये की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1,100,000 और 1,100,000 और सब कुछ 1,100,000। बस ये थोड़ा सा एरर था, मैंने 10 के हिसाब से कर लिया था। बुक के अंदर कितने से था? बुक के अंदर था हमारा 100 रुपये से। सब हो जाएगा डन। अब चलिए इसको भी आप कर लीजिए करेक्ट फटाफट।